दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज होगी टक्कर। दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ऋतुराज की शतकीय पारी पर स्टॉइनिस की सेंचुरी पड़ी भारी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हराया। लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज। चेन्नई लुढ़क कर 5वें स्थान पर पहुंची। पहले बल्लेबाजी कर चेन्नई ने लखनऊ को दिया था 211 रन का टारगेट। एलएसजी के आखिरी ओवर में जीता मैच। पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को पहले ओवर पर लगा बड़ा झटका। अजिंक्य रहाणे 6 रन बनाकर आउट। अजिंक्य रहाणे के बाद बैटिंग करने उतरे डेरिल मिशेल की भी कुछ खास नहीं कर पाए। 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। 27 बॉल पर 66 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल करियर का 2वां शतक जड़ा। 7 बॉल पर 102 रन बनाए। 211 रन का टारगेट चेस करने उतरे एलएसजी की भी शुरुआत खराब रही। केएल राहुल 16 और किडरी कॉक खाता खोले बिना हुए आउट। मार्क स्टॉइनिस रहे एलएसजी की जीत के हीरो। 63 गेंदों में 124 रन बनाए। एलएसजी के लिए निकोलस पूरन ने 15 बॉल पर 34 रन बनाए। पूरन स्टॉइनिस के बीच 70 रन की पार्टनरशिप हुई। ऋषभ पंत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चयन पर बोले सौरभ गांगुली, पंत के सिलेक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से वेस्टइंडीज जाएंगे। हरभजन सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा रोहित के बाद T20 फॉर्मेट में संजू सैमसन को कप्तान बनाया जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या पर भड़के साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन। कहा हार्दिक हार के बाद अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे नरेन। बोले इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे अब बंद। T20 विश्व कप पर वार्नर ने कहा वेस्टइंडीज की पिच पर रन बनाना आसान नहीं। शाहीन अफरीदी ने 3000 T20 रन पूरे करने पर मोहम्मद रिजवान को कहा डॉन ब्रेडमैन। सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा है मजाक। शाकिब अल हसन को विश्व कप से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में बांग्लादेश के लिए वापसी की उम्मीद। जुलाई 2023 में खेला था आखिरी मैच। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम सर्वश्रेष्ठ टीम बनी। स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने किया संन्यास का ऐलान। सौरभ का करियर 22 सालों का रहा।